उसे देख रहे हो जोश इंडिया वेब टीवी। नमस्कार, उसे देख रहे हो जोश इंडिया वेब टीवी। पंजाबी दिया खबरां दे बुलेटिन दे नाल हर रोज की तरह मैं हां कीता सक्सेना। आओ सब तो पहले नजर कर लिया आज दिया खास खबरां ते। चोणां दे ऐलान तो पहला प्रचार करन ते सियासी पार्टियां नूं हुण भुगतना पवेगा अंजाम। सरकारी कर्मचारियों के कोविड टीका ना लगवाने 15 सितंबर तो बाद भेजा जाएगा छुट्टी ते। पंजाब सरकार का ऐलान सूबे विच कोविड संबंधी पाबंदियों नूं वधाया जाएगा 30 सितंबर तक। भारत ते इंग्लैंड विचाले शुक्रवार तो मैनचेस्टर विच खेडिया जाने वाला पांचवां टेस्ट होया रद्द। ते हुण पेश है खबरां दा विस्तार। किसानों ने एक होर वड्डी चेतावनी दिंदिया कहा है कि जेकर कोई भी राजनीतिक पार्टी चोणां दे ऐलान तो पहला अपना चोण प्रचार करती है तां उस नूं किसान विरोधी पार्टी मन्या जावेगा। बीते दिनी किसानों ने एक होर वड्डी चेतावनी दिंदिया कहा है कि जेकर कोई भी राजनीतिक पार्टी चोणां दे ऐलान तो पहला चोण प्रचार करती है तां उस नूं किसान विरोधी पार्टी मन्या जावेगा। पाप जेकर कोई भी अजिहा करता है ता उस नूं इस दे नतीजे भुगतने ही पैणगे। चंडीगढ़ विच हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दौरान किसान आगू बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि जेकर नेता किसानां दे नाल इन्नी हमदर्दी रखदे हन तां संसद दे बाहर धरना दे ते किसान अंदोलन दौरान किसानां ते होए सारे केस वापस लैण। उन्हां कहा कि चोण प्रचार दे माहौल दे नाल पंजाब दे हालात खराब हो सकदे ने ते इस दे नाल लोकां दा ध्यान किसान अंदोलन तो भटकदा है। इसलिए उन्हां चेतावनी दिती कि जेकर पंजाब दे विच राजनीतिक रैलियां हुंदियां हन तां किसान इस दा विरोध करनगे ही करनगे। पंजाब दी कैप्टन सरकार ने सरकारी कर्मचारियों दे लई एक बेहद जरूरी फरमान जारी कीता है, जिस दे अनुसार जे कोई कर्मचारी डॉक्टरी कारना तो इलावा किसी भी होर कारण करके कोविड टीके की पहली खुराक लैण दे विच असफल रहा उस नूं 15 सितंबर तो बाद छुट्टी ते भेज दिता जाएगा। पंजाब सरकार ने सरकारी कर्मचारियों लई ऐलान करदिया कहा है कि जो राज सरकार के कर्मचारी डॉक्टरी कारना तो इलावा किसी भी होर कारण करके कोविड टीके की पहली खुराक लैण विच असफल रहे हैं उन्हां नूं 15 सितंबर तो बाद छुट्टी ते भेजा जाएगा। दस दईए कि यह ऐलान पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सूबे के लोगों नूं कोविड की भयंकर बीमारी तो बचाने लई कीता है। इस तो इलावा उन्हां टीचिंग अते नॉन टीचिंग स्टाफ नूं ड्यूटी विच शामिल होण दी आग्या दे दित्ती है, जिन्हां ने घट्टो घट्ट 4 हफ्ते पहला टीके की एक खुराक लई है। हालांकि उन्हां नूं कोविड टैसट की हफ्तावारी RT-PCR नैगेटिव रिपोर्ट जमा करानी पवेगी, जिन्हां नूं कोई होर बीमारियां इकट्ठियां हन अते उन्हां ने कोविड दीआं दोवें खुराकां भी लईआं हन। उन्हां लोकां नूं इह रिपोर्ट सिर्फ एक बार देनी पवेगी। पंजाब सरकार ने त्योहारां दे सीजन नूं ध्यान दे विच रखदिआं होइआं पंजाब दे अंदर कोविड संबंधी पाबंदियां नूं 30 सितंबर तक वधाउण दा फैसला कीता है। आओ जानदे हां की ने इह पाबंदियां। पंजाब सरकार दे आगामी त्योहारां दे सीजन दे मद्देनजर सूबे विच कोविड संबंधी पाबंदी नूं 30 सितंबर तक वधाउण दा फैसला कीता गया है। इस संबंधी फैसला लैंदियां मुख्यमंत्री दफ्तर ने कहा कि राजनीतिक समागमां समेत सारे इकट्ठां विच हद 300 लोकां दी सीमा होवेगी ते मास्क पहनण दे नाल नाल समाजिक दूरी दे नियम नूं वी सख्ती नाल लागू कीता जाएगा। दस दईए कि यह अहम फैसला पंजाब सरकार वल्लों कोविड की महामारी नूं ध्यान च रखदिआं त्योहारां दे सीजन दे दौरान लोकां दी सुरक्षा दे लई लिया गया है। BCCI ने इंग्लैंड अते विल्स क्रिकेट बोर्ड दे नाल मिलके भारत दे इंग्लैंड दौरे दे दौरान मैनचेस्टर विच होण वाला पंजवां टेस्ट रद्द करन दा फैसला कीता है। भारतीय टीम दे कैंप दे विच कोरोना दे दाखले तो बाद इस नूं रद्द कर दिता गया है। भारत ते इंग्लैंड विचाले शुक्रवार तो मैनचेस्टर विच खेडिया जाण वाला पंजवां टेस्ट रद्द होण कारण इस साल नहीं खेडिया जाएगा। दस दईए कि भारतीय टीम दे कैंप विच कोरोना दे दाखले तो बाद इस नूं रद्द कर दिता गया है। मनिया जा रहा है कि यह मैच अगले साल जुलाई दे विच हो सकता है जदों भारतीय टीम सीमित ओवरां दे दौरे ते इंग्लैंड आवेगी। गौरतलब यह भी है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने एक अधिकारित बयान जारी करदिआं स्पष्ट कीता है कि दोवां टीमां विचाले 5 मैचां दी टैसट सीरीज दे फाइनल मैच लई रस्ते दी खोज कीती जा रही है। BCCI ने अपने बयान दे विच कहा है कि दोवें बोर्ड भारत ते इंग्लैंड दे विच रद्द किए गए 5वें टेस्ट मैच नूं दुबारा आयोजित करन दी दिशा विच काम करनगे, जबकि खिडारियों की सुरक्षा नूं लैके कोई समझौता नहीं होवेगा।
ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਗੀਤਾ ਸਕਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਕੱਲ ਨਵੀਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।